अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर आफ्ताब आलम खान है। मैं अयूब टीचिंग हॉस्पिटल और अयूब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हूँ। आज मैं आपसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022 के मौके पर बात कर रहा हूँ। हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और हर साल उसकी एक थीम होती है। इस साल की थीम है मेकिंग मेंटल हेल्थ अ प्रायोरिटी फॉर ऑल, ताकि तमाम लोग जो दुनिया में हैं उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर हम फोकस कर सकें, उसको एक प्रायोरिटी बना सकें। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ की डेफिनेशन सुनें तो दैट इंक्लूड्स मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, बट अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका फोकस, हमारे बजट में इसके ऊपर फोकस, द अवेलेबिलिटी ऑफ साइकेट्रिस्ट इन पाकिस्तान और द स्टिग्मा इन पेशेंट्स, ये तमाम चीज़ों को मिला के देखें तो मेंटल हेल्थ हैज़ नेवर बीन अ प्रायोरिटी, इट्स ऑलवेज निगलेक्टेड। थिंग्स आर चेंजिंग, लोगों का फोकस अब मेंटल हेल्थ के ऊपर बढ़ रहा है और होपफुली वो टाइम दूर नहीं है कि जब मेंटल हेल्थ फॉर ऑल विल बी अ रियलिटी। इस वक्त तो इट सीम्स मोर लाइक यू नो फैंटेसी। तो होना ही चाहिए था कि हम इस सदी में बात कर रहे होते मेंटल हेल्थ में जो रिसर्च प्रोग्रेस हुई है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन ऑटिज्म, हम बात कर रहे होते जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर, हम बात कर रहे होते ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन डिमेंशिया, हम बात कर रहे होते न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि हम स्टिग्मा, स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, मिसकॉन्सेप्शन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। 70-80% ऑफ द टाइम हमारा जो साइकेट्रिस्ट का है वो सिर्फ लोगों के अंदर जो मिसकॉन्सेप्शन है उनको क्लियर करने के ऊपर लग जाता है, हमें लोगों को ये बताने के ऊपर टाइम हमारा लग जाता है कि हम भी मुसलमान हैं और हमारे जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस्लाम के साथ किसी तौर पे क्लैश नहीं करते। तो यू नो इट्स अनफॉर्चुनेट, ये मेंटल हेल्थ डे और इस तरह के ओकेजन्स हमें इस बात का मौका फ्राहम करते हैं कि हम अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट कर सकें, स्टिग्मा को कम कर सकें। और जब आप किसी चीज़ के ऊपर बार बार बात करते हैं, बार बार हाईलाइट करते हैं, उसको फोकस में लाते हैं तो स्टिग्मा कम करने में मदद मिलती है। हम इस साल यू मेडिकल कॉलेज में भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं हर साल की तरह, और उसका मकसद ऑब्वियसली यही है कि अपना जो हमारा एक मिशन है मेंटल हेल्थ का उसको आगे लेके जा सकें। So thank you.